Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of ATYS. So here it is 15th of July. First of all, I would like to say you sorry for yesterday because 14th ko kal hum log jo hai newspaper share nahi kar paye mere kuch personal issues ke karan, okay? कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण. बट हेयर आज से हम लोग अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं इन क्लासेस को. ओके, सो आज हम लोग टुडेज़ द हिंदू जो एनालिसिस है, टुडेज़ द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस टोटली बेस्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टुडेज़ न्यूज़पेपर. ओके, द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि UPSC के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स ले लीजिए चाहे मेंस ले लीजिए. सो मेरी कोशिश रहती है कि हम लोग वो सारे आर्टिकल्स यहाँ पे कवर करें जो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक जो UPSC से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए कि UPSC से रिलेटेड नहीं है या हम उस टॉपिक को एवे ही ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं वो टॉपिक जो है आपके मेंस आंसर राइटिंग में, आपके माइंडसेट को क्लियर करने में, आपके माइंडसेट के लिए या थॉट प्रोसेस के लिए वो कहीं ना कहीं आर्टिकल आपके इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है. ठीक है, अब पॉसिबल नहीं होता कि हर एक आर्टिकल से पहले समवेयर हमें आपको एक्सप्लेन करूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि वो आर्टिकल आपके किस तरीके से काम आने वाला है UPSC में. ओके, बट हेयर ये नहीं सोचे, क्योंकि द हिंदू पेपर ऐसा एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ऑथेंटिक न्यूज़ एनालिसिस है, जो न्यूज़ है जो कि न्यूज़पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है. अब उसके लिए कोई एक मापदंड नहीं है कि ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है ये नहीं है. हाँ, जो न्यूज़ यूज़लेस लगती है हमें लगता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते. हम लिमिटेड 5 to 6 न्यूज़ कैरी करते हैं, जबकि न्यूज़पेपर के अंदर करीब 30+ न्यूज़ होती है ना. सो डोंट एवर थिंक कि जो है हम आपसे कुछ भी ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस. तो सबसे पहले तो राजस्थान पॉलिटिक्स काफ़ी अभी जो है राजस्थान में हो रही जो पॉलिटिकल घमासान है काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी चर्चा में है. हाल ही में हो रहे जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं वो चर्चा में. अब मैं आपको बता देती हूँ कि इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो आप लिखते हैं, या कहीं ना कहीं जब भी आप पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अ स्टेट लिखते हैं या स्टेट की पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ पर बात करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के जो है एग्जाम्पल्स दे करके आप पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए हम इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. रिसेंटली कुछ घटनाएं घटित हुई हैं, कांग्रेस में ही जो है CM रह चुके हैं, CM जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, और अदर जो मेंबर है अशोक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शायद राजस्थान के, तो ही इज सचिन पायलट. अब देखिए, सचिन पायलट अभी इन दिनों काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट इज़ गोइंग टू क्विट दी कांग्रेस एंड ही इज़ गोइंग टू ज्वाइन दी BJP. उससे पहले ये चर्चा में था कि कांग्रेस जो है उसे लीड करने के लिए अपना कदम उनके द्वारा उठाया जा रहा है. इसी बीच में जो है जब देखा गया कि कांग्रेस के अंदर जिनके हाथ मजबूत हैं, जिनकी सीट ज़्यादा है, जिनके सपोर्टिव ज़्यादा हैं, वो है CM अशोक गहलोत, तब ये चर्चाएँ आई कि कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष है राजस्थान के, दैट इज़ सचिन पायलट, वो जो है काफ़ी न्यूज़ में रहे, वो जो है BJP को ज्वाइन करने जा रहे हैं. ये जो पूरा घटनाक्रम है इसने इतने डिस्प्यूट्स क्रिएट कर दिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगा कि BJP को ज्वाइन करने के लिए सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, और इससे पहले कि सचिन पायलट हमें क्विट करें, या ये जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर, ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए कांग्रेस द्वारा ही सचिन पायलट जी को जो है अपने पार्टी से निकाल दिया गया है. ठीक है, एंड उसी के बाद में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए. गहलोत जी ने गवर्नर जी से भी मीट की, गवर्नर जो है राजस्थान के उनसे भी मीट की, और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रामेटिकली जो है टर्न ले रहे हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं यहाँ के राजस्थान के, और प्रेसिडेंट भी है कांग्रेस कमेटी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो वो जो है जल्दी ही अपना बयान देंगे, वो जल्दी ही फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स है जो डिस्कस करेंगे,
ऐसा द हिंदू की जो न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, या उनके जो सचिन पायलट के जो निजी करीबी व्यक्ति हैं, उन्होंने द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस वालों को, न्यूज़ चैनल्स वालों को बताया है. ओके, एंड वसुंधरा राजे इज़ स्टिल वॉचिंग एवरीथिंग. She is watching the situation very silently. She is not giving any type of any statement regarding all these what is happening. The party also accused him of colluding with the opposition BJP in this conspiracy to topple the state government. ऐसा मानना है पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, कि उन्होंने जो है ऐसा आरोप लगाया है सचिन पायलट पे कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी की सत्ता लाने के प्रयास में हैं. तो ये सारा जो घमासान चल रहा है ये कांग्रेस और बीजेपी पर बेस्ड है, जो कि एक बहुत पुरानी रेस चली आ रही है कांग्रेस और बीजेपी की. आपको बता दें कि सेंट्रल में जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, उसी के साथ में राजस्थान के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान में काफ़ी जो है बहुत स्ट्रॉन्गली इस सरकार द्वारा अपना दावा पेश किया गया है हर इलेक्शन में. बट स्टिल कहीं ना कहीं जो है अभी एट प्रेजेंट कांग्रेस जो है काफ़ी इफेक्ट कर रही है. और सचिन पायलट का ये जो स्टेप है बीजेपी को ज्वाइन करने का, या ऐसे विचारों का, या कांग्रेस से रिलेटेड अगर कुछ भी जो है इनसिक्योरिटी वो फेस करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो बीजेपी को जल्दी ही ज्वाइन करेंगे. और यदि वे बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी विल गेट अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू अपोज द कांग्रेस. तो अच्छा, ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा हम यहाँ क्यों डिस्कस करें, क्या पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे जो है हमें डिस्कस करने चाहिए यहाँ पे? देखिए, बिल्कुल नहीं कर, हम यहाँ बीजेपी या कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. हमें ये एज एन एस्पिरेंट वी शुड नो कि ये जो पूरी कंडीशंस बन रही है, ये जो पूरे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, ये किस तरीके से सियासी दावपेच को पेश करते हैं, किस तरीके से एक कुर्सी के लिए, एक सीट के लिए जो है दल बदल की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, या किस तरीके से जो है किसी भी पार्टी में इनसिक्योरिटी के नाते जो है किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को, जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है, उसे बेदखल कर दिया जाता है अपनी ही पार्टी से. ओके, so it is all about it. Let's see what is going to be happened by the next news is from education system. जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कई दिनों से हमारा education system काफ़ी बिगड़ा हुआ सा है और काफ़ी complications देखने को मिले हैं. और online education system चल रहा है COVID-19 के चलते, ये सारी घटनाएं जो घटित हो रही है, इसी बीच में जो education system है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एक मुद्दा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र बनकर सामने आया है एजुकेशन सिस्टम. क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो सभी अभी COVID-19 के चलते ओपन नहीं हुए हैं और ना ही आने वाले कुछ टाइम तक ओपन होने की संभावना है. उसका कारण है COVID-19 या ये महामारी जो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती है. एंड फाइनली ये जब ट्रांसमिट होती है तो ये बिल्कुल नहीं देखती है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक है. और स्कूलिंग टाइम में सबसे ज़्यादा जो है, या स्कूलिंग एज जो होती है उसमें बच्चों की इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा वीक होती है. उसी के चलते और सबसे ज़्यादा गैदरिंग जो है एक एक क्लासेस में या स्कूल्स में, ये जो गैदरिंग्स देखने को नज़र आती है, जो बिल्कुल भी जो है ऑफिसेज या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो किया जा सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक स्कूल के अंदर बच्चों से ये कहा जाए कि आप एक दूसरे से दूरी बना कर रखिए. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे घटनाक्रम को और COVID-19 के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस क्राइसिस की सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने एक ऑनलाइन सिस्टम का प्रावधान किया. और सभी स्कूल्स पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो है कि काफ़ी महीने हो चुके हैं, आई थिंक 2.5 मंथ हो चुका है, तब से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रही है. ठीक है, उसी के चलते प्रज्ञाता गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत जो है अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लिमिट्स है, या सेंटर ने लिमिट्स डिसाइड कर दी है कि ऑनलाइन स्कूल सेशन की कुछ लिमिट्स होगी, उन लिमिट से बाहर जाकर के स्कूल्स कंडक्ट नहीं कर सकती है ऑनलाइन क्लासेस. क्या होगा स्क्रीनिंग रिस्ट्रिक्टिंग टाइम जो बताया गया है वो क्या होगा? प्री प्राइमरी स्कूल जो है उनके लिए 30 मिनट से ज़्यादा एक दिन में टीचर जो है स्पेंड नहीं करेगी ऑनलाइन क्लासेस में, पेरेंट्स से 30 मिनट से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगी. ओके,
उसके अलावा फर्स्ट टू एट्थ क्लासेस के लिए अगर बात की जाए, फर्स्ट टू एट्थ ग्रेड जो है उनके लिए दो सेशन आयोजित किए जाएंगे जिसे वो 30-45 मिनट्स के होंगे और उन दो सेशन से ज़्यादा क्लासेस नहीं अवेलेबल होगी। इट मींस ओवरऑल डेढ़ घंटे से ज़्यादा क्लासेस, 1.5 आवर से ज़्यादा क्लासेस जो है वो फर्स्ट टू एट्थ ग्रेड के लिए कंडक्ट नहीं होगी। वहीं 9th to 12th क्लास के लिए फोर सेशंस ऑर्गेनाइज होंगे जो 30-45 मिनट्स के होंगे। इट मींस अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें, मतलब ओवरऑल अगर बात करें, तो 3 आवर्स से ज़्यादा 9th to 12th के लिए भी क्लासेस नहीं होंगी। Teachers are recommend to adopt the academic calendar of NCERT at this website, that is http://nCERT.nic.in। देखिए ये जो वेबसाइट है इसके द्वारा टीचर्स जो है वो NCERT के एकेडमिक कैलेंडर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टेंट मैसेजिंग ग्रुप्स ईमेल इन्वॉल्विंग पेरेंट्स टू बी यूज फॉर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यदि कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज ग्रुप्स में शेयर करना है, ईमेल्स के थ्रू शेयर करना है, तो जो है टीचर्स पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। टीचर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ साइबर बुलिंग। अब ये भी एक घटनाक्रम सामने आया है कि आपको बता दें कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इन दिनों जो है न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा जो है ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो है साइबर क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ऑफलाइन स्टडीज़ के टाइम पे भी काफ़ी देखने को मिल रहे थे। तो जब बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या फ़ोन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि साइबर क्राइम की संभावनाएं भी बढ़े और केसेस भी बढ़े। उसे कंट्रोल में लाने के लिए भी साइबर अवेयरनेस को, साइबर बुलिंग को लेकर के टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें, वो स्टूडेंट्स को अवेयर करें इन सारे मुद्दों को लेकर, साइबर बुलिंग या साइबर क्राइम को लेकर। ओके, एंड ब्रेक्स ऑफ 10-15 मिनट्स बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्लासेस आर रिकमेंडेड। हर दो क्लासेस के बीच में करीब 10 से 15 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा प्रावधान है जो कि टीचर्स को या स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं और जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह की चीज़ें चल रही है, मुख्य जो फोकस है या मेन फोकस जो है टीचर्स का, वो इस बात पर होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अवेयर करें साइबर क्राइम या साइबर बुलिंग को लेकर। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, इंडियाज फॉर लॉस इन फेलिंग टू डेवलप द चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट इन ईरान माइट बी चाइनाज गेन। ये चाइना का के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। इंडिया जो कि चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जो है ईरान के अंदर वो डेवलप करने में जहाँ फेल हो रही है, तो ये जो इंडिया का लॉस है, जो इंडिया जो लूज़ कर रही है इस अपॉर्चुनिटी को, ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं चाइना के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट्स टेन्योर द गवर्नमेंट हैज़ अंडरलाइन द जियो स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस इन अटैच टू दी चबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। दी प्रोजेक्ट साइंड इन 2003, ये प्रोजेक्ट 2003 में साइन किया गया था। इंडिया और इंडिया ईरान टाइज के तहत जो है उनको इम्पॉर्टेंट बनाने के लिए, उनको ट्रेडिशनल सिंबल प्रदान करने के लिए ये जो है साइन किया गया था। ओके, कनेक्टेड बाई सी लेनर्स टू पोर्ट्स ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट। इंडिया के वेस्ट कोस्ट से जो है ईरान को कनेक्ट करने के लिए सी लेन के थ्रू इस पर्टिकुलर पोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। सो समवेयर ये जो है रशिया या सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी का वे बन चुका था, ऐसा माना जा रहा था। एनर्जी सप्लाईज और ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा आउटकम जो है इसे माना जा रहा था, एक रिच आउटकम माना जा रहा था। ठीक है, एंड गिवन दैट पाकिस्तान हैड ब्लॉक्ड इंडियन एड टू अफगानिस्तान एंड ऑल ट्रेड ओवर लैंड। पाकिस्तान ने इंडियन जो ट्रेड है, इंडियन एड जो है उसे ब्लॉक कर दिया है अफगानिस्तान व अन्य जो अपने आसपास का एरिया है, लैंड एरिया, उसके तहत। इसी के चलते इस पोर्ट का निर्माण की बात कही जा रही थी। चबहार प्रोवाइडेड इंडिया एन अल्टरनेटिव टू परमानेंटली बाईपास इट्स ट्रबल सम नेबर। अपने ट्रबल सम नेबर मतलब जो पाकिस्तान है उसको क्रॉस कर, उसको डील ना करने, उसे बिल्कुल उससे बाईपास होते हुए जाने के लिए इस चबहार पोर्ट की
जो है स्थापना की जा रही थी। और यदि जो है इंडिया इसमें फेल हो जाता है, इंडिया लॉस कर जाता है ये अपॉर्चुनिटी, तो इस प्रोजेक्ट को जो है आगे बढ़ाने की, डेवलप करने की जो ये प्रोडक्टिविटी है उसे अगर लॉस कर जाता है इंडिया, तो ये चाइना के लिए एक प्रॉफिटेबल साइन हो सकता है। चाइना अपने आप में बहुत अच्छे से इस मैटर को कवर करते हुए इस बात का फ़ायदा उठा सकता है। ओके, प्रेसिडेंट हसन रूहानी एंड अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, अकॉर्डिंग टू एमओयूज जो साइन हुए हैं, इंडिया वुड बी ग्रांटेड अ 10-year लीज टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 terminals एंड 5 berths। होप यू ऑल आर गेटिंग इट। एक्सेस टू दी चबहार फ्री ट्रेड जोन एंड द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड दी 628 kilometer रेल लाइन फ्रॉम चबहार टू जहेदन। होप यू ऑल आर गेटिंग इट। इट्स सो सिंपल टू गेट इट, जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अफगानिस्तान। ओके, द गवर्नमेंट एक्टेड क्विकली टू डेवलप चबहार पोर्ट facilities, sent exports to Afghanistan in 2018 and has moved over 500,000 tons of cargo, including grains and food supplies from Afghanistan again through the ports. However, the rail line has never taken on for a number of reasons despite a communication from state-owned Aircon, okay, and to undertake its construction at an limit of $1.6 billion. okay, and here the regardless reason for the India's inability to join the railway project, the decision can only be seen as an opportunity lost. The impression that India waved to due to US pressure, especially after India cancelled oil imports from Iran, also questions New Delhi's commitment to strategic autonomy. While Iran claims it will fund the railway using its own resources, it seems to have embarked on the Chabahar Zahedan project with a confidence born from an imminent deal with China for 25 years, and it is a strategic partnership of $400 billion. Okay, so to create the connectivity infrastructure and energy projects, and in a world where connectivity is seen as the new currency, India's loss could well become China's gain, and New Delhi must watch the space creating by its exit closely. ओके, अगर दिल्ली जो है, इंडिया जो है, दिल्ली जो है, इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो अगर इस जो है एग्जिट कर जाती है इस पर्टिकुलर जो डील है इससे, तो कहीं ना कहीं ये चाइना को जो है इसमें सक्सेस होते हुए बहुत अच्छे से करीब से देख सकती है। और ये जो चाइना गेन करेगा, ये इंडिया के लिए एक, इंडिया अपने आप में नया स्पेस कैरी करके देगा चाइना को, खुद से, अपने हाथों से, है ना। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। द कनेक्टिविटी ऑफ दीज कंट्रीज विल इंक्रीज, एंड इफ वी आर गोइंग टू लूज इट। ओके, सो इट इज़ अपॉर्चुनिटी ऑफ इंडिया दैट वी आर गोइंग टू बी लॉस्ट। सो एंड डेफिनेटली हमें इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा, जो चाइना की तरफ से देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना से रिसेंट रहे डिस्प्यूट्स को देखते हुए काफ़ी जो है इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, और हमें पूरा अंदाज़ा है, या हम इस बात की पूरी जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ये मुद्दा हाथ से जाने नहीं देगा। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन जो उसे मिली है, बनी बनाई सिचुएशन, वो उसे हाथ से जाने नहीं देगा, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। ठीक है, द नेक्स्ट इज़ फील्ड ऑन ट्रैक। क्रिकेट्स restart is not a return to the old normals, but it showed what fans are missing. Basically, क्रिकेट जो है उसको फिर से शुरू करने का एक जो है ऐलान सरकार द्वारा कर दिया गया है। इसी के चलते बिना ऑडियंस के क्रिकेट खेला जाएगा, जिसमें कुछ नॉर्म्स भी बताए गए हैं कि जो है बॉल्स के ऊपर जो सलाइवा यूज़ लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा पूरे सिक्योरिटी मेजर्स के साथ में क्रिकेट को खेला जाएगा, है ना।
तो क्रिकेट जो है वापस से फिर से मैदान में आ गया है। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि जो है पुराने मापदंडों के आधार पर क्रिकेट को आना चाहिए और अन्य जो सोर्सेज हैं वो बंद होते हुए भी क्रिकेट क्यों स्टार्ट हुआ। तो उसका रीज़न ये है कि लोगों का फैंस जो है क्रिकेट के वो उसे मिस कर रहे हैं। और क्योंकि हम सभी जानते हैं वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो क्रिकेट अपने आप में काफ़ी जोशिंदा या हम कह सकते हैं काफ़ी एनर्जी क्रिएट करने वाला एक पर्टिकुलर गेम है और लोगों को बांधे रखने वाला गेम है। और लोगों में सबसे ज़्यादा जो जोश है या सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग गेम है वो क्रिकेट के रूप में सामने आता है। सो क्रिकेट जो है अपने पुराने मापदंडों के आधार पर फिर से नहीं लाया गया है। उसे रीस्टार्ट करने का कारण पुराने मापदंडों को अपनाना नहीं है बल्कि ये बताना है कि लोग या फैंस जो है वो अभी भी क्रिकेट को मिस कर रहे हैं। ब्लेंड ऑफ जॉय एंड रिलीफ जो है वो क्रिकेट में देखने को मिलता है। लास्ट संडे फर्स्ट टेस्ट बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ जो है देखने को मिला है। काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी लोगों की सराहनीयता मिली है या लोगों ने काफ़ी देखा है मैच को और काफ़ी जो है जो हम कह सकते हैं लाइमलाइटेड रहा। उसका रीज़न ये है कि लोगों में क्रेज़ है, क्रेजीनेस जो है वो देखने को मिल रही है क्रिकेट के प्रति। और इसको देखते हुए लोगों के अंदर जो जोश है इस गेम को लेकर, तो देखिए नॉर्मलसी लाने के लिए एक बहुत बहुत अच्छा जो हम कह सकते हैं या एक जो है एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है क्रिकेट के थ्रू। जो सरकारों का ये जो फैसला है कि क्रिकेट को रीस्टार्ट किया जाना चाहिए विदाउट ऑडियंस, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला बनकर सामने आ रहा है। ठीक है, सो अगेन फील्ड्स आर ऑन ट्रैक, वी आर गोइंग टू आर नॉर्मल रूटीन, वी आर गोइंग टू टेक दी ऑल दोज मैटर्स दैट आर एंगेजिंग पीपल्स इन एक्टिविटीज़, इन सो मैनी एक्टिविटीज़ आई कैन से, एंड हेयर दिस इज़ द गुड वे टू एंगेज द पीपल इन रिगार्डिंग फील्ड्स बिकॉज इंडिया इज़ क्रेजी, इवन वर्ल्ड इज़ क्रेजी अबाउट क्रिकेट, सो इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर द वर्ल्ड फैंस और आई कैन से द फॉलोअर्स ऑफ क्रिकेट, सो दैट दे कैन गो थ्रू द मैचेस, दे कैन एंटरटेन देयर सेल्फ एंड द इश्यूज दैट आर कमिंग आउट ऑफ डिप्रेशन एंड एनी मैनी मोर थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट एज सून एज पॉसिबल एज आई एम थिंकिंग। सो ओके, इस आस्पेक्ट को अगर कवर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इसमें तो सारा सब कुछ जो डाला गया है ना वो सब कुछ वो चीज़ें डाली गई हैं जो कि मैच से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंट्रीज का क्या कहना है, उनके क्या विचार हैं, उनके क्या मापदंड हैं। इसके अलावा सरकार के या जो है हम कह सकते हैं क्रिकेट जो है वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के क्या अपने आप में मापदंड निश्चित सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप के बारे में या अदर टेस्ट मैचेस के बारे में, T20s के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बट मुझे जनरली देखिए ऐसा लगता है कि ये जो क्रिकेट को स्टार्ट करने की एक सिलसिला है, ये जो एक चीज़ है ये कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा उन लोगों को जो कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं इन दिनों घर में रहकर, है ना। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम से या अदर एक्टिविटीज से काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं और उनके लिए देखिए मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री और इवन दिस वर्ल्ड आर हेयर एंड दे आर डेफिनेटली द क्रिकेट इज़ अ पंच और आई कैन से द फ्रूट पल फ्रॉम दैम फॉर दैम एंड इवन दे आर गेटिंग सो एंटरटेन टू गेट ऑल दीज थिंग्स एज क्रिकेट। अगर काफ़ी स्ट्रेस भी होता है ना दिन भर से तो भी अगर क्रिकेट देख लेते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा माइंड फ्रेश हो गया है ना। और कितना भी बिजी है, कितना भी स्ट्रेस्ड है, लेकिन और कुछ करे ना करे मैच चल रहा है तो डेफिनेटली लोग जो है टीवी के आगे बैठेंगे। तो ये सारा सिलसिला सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे भी है। लोगों में गेम्स को लेकर इतना ही क्रेज़ है, फुटबॉल मैचेस में इवन सभी जो गेम्स हैं उनके अंदर से सबसे लोकप्रिय गेम जो है वो क्रिकेट के रूप में। तो अपने आप में ये ट्रैक पर आना, क्रिकेट गेम का फिर से इनिशिएट होना कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस के तहत, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन लेकर आता है। ये बताता है कि देश या विश्व जो है अपने ट्रैक पर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को ज़रूर साइड में कर देगा जो कि नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इंडिया इंडो चाइना रिलेशनशिप्स, द स्टैंड ऑफ एंड चाइनाज इंडिया पॉलिसी डायलेमा के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और इंडिया और चाइना की पॉलिसीज़ को यहाँ बताया गया है। जिस तरीके से अभी रिसेंट कंडीशंस हमने देखे थे, रिसेंट जो सिचुएशंस है हमने बॉर्डर पर देखी थी उसके बारे में बताया गया है। फॉर चाइना विच हैज़ लॉन्ग बीन प्री ऑक्यूपाइड विथ इट्स रेंटलेस
rentalless pursuits to approach the center of the world and in managing the turbulent relationships with the United States. The June 15 incident of a violent face-off between China and India, or I can say Chinese or Indian troops at the LAC, causing casualties on both sides came as a big jolt. It brought the national focus back on an otherwise not so popular topic of China-India relationship. देखिए India-China relationship काफ़ी देखिए पहले बहुत पुराने time से ही काफ़ी मुद्दे में रहा India-China, जो काफ़ी जो issues है काफ़ी treaties के बाद में finally India और China के बीच में काफ़ी disputes जो थे वो clear हुए हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद फिर से हमें वही घमासान देखने को मिली है, वही युद्ध रणनीतियाँ देखने को मिली है, वही हमें जो है लैंड ऑक्यूपेशन की पॉलिसीज़ को देखने को मिली है, लैंड को ऑक्यूपाई करने की. तो ये सारी चीज़ें जो है अभी रिसेंटली हमें देखने को मिली है. तो समवेयर ये जो आर्टिकल है इसके अंदर इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया गया है, किस तरीके से ये सिचुएशंस क्रिएट हुई है, कैसे इंडिया ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, और इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. चाहे आप इंडिया ले लीजिए चाहे चाइना ले लीजिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं. उसके अलावा जो है पूरे सिनेरियो पर अपने ओपिनियन बताए हैं, उसके अलावा इंडिया को क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है. अब ये आर्टिकल जो है ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे. ये आर्टिकल मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ ऑन एन आउटलाइन, और आई कैन से ओवरव्यू ले चुके हैं हम इसका. इसके अलावा अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. एंड इंडिया और चाइना के इन सारे जो ये प्रभाव हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, उसका वर्ल्ड पॉलिसी, वर्ल्ड जो कनेक्शंस है, वर्ल्ड रिलेशंस है कंट्री के, इंडिया के या अन्य देशों पर के साथ जो हमारे रिलेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, ये जो पूरा घटनाक्रम हमें इन दिनों पिछले दिनों देखने को मिला है इंडिया और चाइना के LAC रिलेटेड, बॉर्डर इशू से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, ये जो देखने को मिले हैं, ये किस तरीके से इंडिया के अन्य देशों, अन्य नेबरिंग स्टेट्स के साथ में जो है रिलेशनशिप को प्रभावित करती है, या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. और इन इंग्लिश आई कैन से दैट व्हाट इम्पैक्ट डज द इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स क्रिएट ऑन इंडिया इंडियन रिलेशनशिप्स विथ अदर कंट्रीज़. ओके, सो यू हैव टू आंसर मी इन कमेंट सेक्शन. यू हैव टू गिव योर पॉइंट्स दैट व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स. ओके, द नेक्स्ट इज वायरल आउटरेज ओनली स्पाइक्स द डेटा. ये COVID-19 से रिलेटेड है. जैसा कि केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं कर्नाटका में, तेलंगाना में, जिस तरीके की सिचुएशंस सामने आ रही है और जो कारण है उसके लिए एक फिक्स ब्लेम बना रखे हैं, सरकार को ब्लेम किया जा रहा है, एंड एडवर्स पब्लिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है. ये जो कोरोना वायरस के फिगर्स कंटिन्यूसली जो बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हें इन क्रूशियल नंबर्स को जो है रोकने की कवायद की जा रही है. दिस हैज़ हैपेंड अर्लियर टू व्हेन देयर वाज अ राइज इन केसेस. जैसे ही स्टेट्स में केसेस बढ़े थे उस समय भी नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है लोगों का देखने को मिला था. एंड एविडेंस दैट गवर्नमेंट्स हैज़ फेल्ड. ये जो कंडीशन है, ये जो डेटा बढ़ रहा है, ये जो नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को घोषित करता है या सरकार के द्वारा अपने प्रयासों में विफलता को दर्शाता है. तो ये आर्टिकल पूरा उसी पर बेस्ड है कि किस तरीके से तेलंगाना और जो कर्नाटका है वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसा कि सरकारें अपने आप को प्रूव करती है एक बेस्ट गवर्नमेंट के तौर पे, और हो सकता है सरकार कहीं ना कहीं सारी सरकारें अपने लेवल पे प्रयास भी कर रही हैं, और हो सकता है नहीं काफ़ी हद तक कर भी रही है, लेकिन क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है, क्या ऐसी पॉलिसीज़ है जिसके कारण सरकार फेल हो रही है. ऐसा क्यों हो रहा है कि अदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर केसेस आ गए हैं, काफ़ी कंट्रोल हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इन जो स्टेट्स हैं तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स जहाँ पे सरकार जो है परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं. सो ये जो आर्टिकल है ये पूरा उसी पर बेस्ड है, जिस तरीके से क्रूशियल नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं.
डेटा बढ़ता चला जा रहा है COVID-19 का, उसी को कैसे इस अपनी मिस्टेक्स को कैसे ओवर जो है कम करके या हील अप करके कैसे कुछ पॉजिटिव रिएक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं और अपने आप को एक पॉलिटिकल डायलामा जो है उसको क्लियर करने के लिए या उसके अंदर खुद को फिट करने के लिए क्या स्टेप्स जो है सरकार को उठाने होंगे, तेलंगाना या कर्नाटका की सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को और उन सारी सरकारों को जहाँ पे केसेस कंटिन्यू बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ राजस्थान में भी जो है काफ़ी हद से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, कंटिन्यूसली केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टेट्स हैं क्योंकि पॉलिटिकल घमासान में लगी है राजस्थान सरकार, उसी के चलते राजस्थान में जो है केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान अभी पॉलिटिकल इश्यूज पर है, अपनी सीट बचाने पे है, ना कि उन चीज़ों पर, उन मुद्दों पर जो कि पॉलिटिकल सिचुएशंस को कंट्रोल। देखिए पॉलिटिकल कहीं ना कहीं मुझे लगता है COVID-19 अपने आप में एक जरिया है सरकारों के लिए अपनी सीट्स बनाने का, है ना, अपनी जगह बनाने का। क्योंकि जो सरकार अपने आप को प्रूव कर देती है कि हाँ हमने COVID-19 को अच्छे से मैनेज कर लिया, उसे ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि हम देश को कैसे चलाएंगे या राज्य को कैसे चलाएंगे इसलिए हमें वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सरकार इन सारी जो है COVID-19 का मैनेजमेंट जो है उससे अपने आप को खुद से प्रूव कर सकती है कि यस आई एम ऑन दिस पोजिशन, कि मैं खुद को, हम लोग खुद को कार्य पे लगा सकें और हमने पेंडेमिक जैसी कंडीशन को तक कंट्रोल में कर लिया, तो देश के या पर्टिकुलर स्टेट के जो लोग हैं वो अपने आप में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी उन्हें कि ये सरकार जो है ये हमारे लिए कार्य कर रही है। तो सरकारों का मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये ऐसा इस आर्टिकल में नहीं दिया गया है, कि ये जो कंडीशन है, ये जो पेंडेमिक का दौर है, ये अपने आप में एक बेस्ट टाइम है ये शो करने का कि सरकारें अपने आप को किस पोजीशन पर रखती है और उससे लोगों में सरकार के प्रति क्या संवेदना देखने को मिलती है या कैसे इस पेंडेमिक के दौर में ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार में इस ट्रस्ट को जो है क्रिएट करते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है ना, ना कि अपनी सीट्स के लिए या अपने वोट्स के लिए, ठीक है। सो ये जो है और जिस तरीके से केसेस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं उनके तरफ नज़र घुमाना, उनकी तरफ ध्यान देना सरकारों के लिए कंपलसरी हो चुका है, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट एंड पॉलिटिकल डेटाज विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंगली। द COVID-19 वैक्सीन से रिलेटेड ICMR जो है उन्होंने बताया है कि इतोलीज़ुमैब या टोसिलीज़ुमैब जो है वैक्सीन जो है या ये जो जो एलिमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जा रहे ड्रग्स हैं जो कि रिड्यूस COVID-19 को रिड्यूस करने के लिए क्लेम करते हैं, इनके ऊपर ट्रायल्स लिए गए हैं ICMR के और बताया जा रहा है कि ये कोई एविडेंस नहीं क्रिएट करते हैं कि ये जो है COVID-19 की जो सिचुएशन है या रेट्स जो है उसे कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा, ऐसे कोई जो है ट्रायल, काफ़ी सारे ट्रायल्स कर लिए गए हैं लेकिन हमें पॉजिटिव कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ये ICMR चीफ भार्गव का कहना है, उनका है स्टेटमेंट दैट देयर इज़ येट नो एविडेंस फ्रॉम ट्रायल्स फ्रॉम दैट इटोलीज़ुमैब और टोसिलीज़ुमैब टू ड्रग्स आउट ऑफ विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो है बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इन ड्रग्स को क्रिएट किया था और ऐसा दावा किया था कि ये केसेस को जो है स्टॉप आउट कर देते हैं या केसेस को जो है रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो इस रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू दी ICMR स्टडी एंड ICMR टेस्ट दे आर गेटिंग दैट वी आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स और एनी एविडेंस फ्रॉम दीज ड्रग्स टू गेट कंट्रोल्ड। ओके, वायरल ट्रैकर इंडिया रिकॉर्डेड 29,829 न्यू COVID-19 केसेज ऑन ट्यूजडे, द हाइएस्ट सिंगल डे स्पाइक इट इज, टोटल इन्फेक्शंस स्टूड एट 9,36,418 as of 10:45 PM. So somewhere the cases are continuously getting up, daily basis cases are increasing, the new cases and death rates are here, 29,829 cases by the 580 death rates. These data or these numbers are such a very huge number which can show the failure of government, the failure of medical researches, the failure of people's awareness. We are getting normalized, we are going to take a normalcy in our atmosphere, but here this is a fact that we can't get normal till we have
COVID-19. So we have to remove this COVID-19 from its depth, from its roots. By that particular day, we can be normal accordingly. Okay. So it is all about it. The next article is based on India, Europe and India relationships. So here, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको daily एक homework दिया करती हूँ. तो आपका होमवर्क है इस आर्टिकल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पॉज कीजिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, और यू कैन टेक न्यूज़पेपर एज वेल. न्यूज़पेपर होगा आपके पास में, सभी के पास, मैक्सिमम लोग जो है एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर को. न्यूज़पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर में आपको सारी चीज़ें क्लियर दे रखी है, सब चीज़ें बता रखी है कि कैसे जो है ये आर्टिकल वर्क कर रहा है, और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर पॉसिबली क्लियर ना हो. लेकिन यूरोप और इंडिया के बीच में जो चीज़ें हैं, जो कंडीशंस हैं, FTA negotiations जो है उसे रिज्यूम करने की बात की गई है, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है. और जो ये देखिए पिक्चर जो है, ये 6 अक्टूबर 2017 की है ना. एंड EU और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं 14th समिट को लेकर, ये जो पिक्चर है ये आपको देखने को मिलेगी. न्यू दिल्ली के अंदर की पिक्चर, न्यू दिल्ली की पिक्चर है ये. सो समवेयर EU और इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं. अब यूरोपियन यूनियन के इंडिया से जो रिलेशनशिप हैं उनके अभी क्या हालात हैं, ये आर्टिकल क्या बताता है, और क्या ऐसे प्रोग्रेसेस हैं जो इंडिया और यूरोप के रिलेशनशिप में देखने को मिले हैं, क्यों आज इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पे लिया गया है, या मैंने क्यों यहाँ पे लिया है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि आपको इस आर्टिकल में क्या पढ़ने और देखने को मिला है. ठीक है, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है एंड यू विल गेट इट वेरी वेल. अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो मैं डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर एस्पेक्ट्स. और कल हम लोग जो है, अगर मुझे क्वेरीज आती है तो कल हम लोग डेफिनेटली जो वीडियो है उसके स्टार्टिंग में ही पहले कुछ सेकंड्स तक इसे डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपका एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा. बट मुझे आपको होमवर्क में देने का, या आपको जो है इस आर्टिकल को देने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप इस आर्टिकल को पढ़िए. जैसे कि LAC से रिलेटेड काफ़ी डिस्प्यूट्स हमने पढ़े, इंडिया चाइना के रिलेशनशिप्स जैसे ख़राब होते चले जा रहे हैं, या अदर जो रिलेशनशिप्स हैं जैसे इंडिया और ईरान की जो अपन ने आज बात की, तो इस तरीके के कई सारे रिलेशनशिप्स हैं जो ख़राब होते चले जा रहे हैं, काफ़ी इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. लेकिन कई सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ में भारत के रिलेशन और मजबूत होते चले जा रहे हैं. तो उससे रिलेटेड जो ये आर्टिकल है उस पर बेस्ड है, EU और इंडिया के जो रिलेशनशिप्स है उसे यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, आप पढ़ेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अभी हाल में EU और इंडिया के रिलेशनशिप्स पर क्या प्रभाव देखने को मिला COVID-19 का, और EU इंडिया के रिलेशंस अभी किस बेस पर हैं, या अभी क्या, क्यों ये आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, FTA क्या है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सारे न्यूज़ आर्टिकल हम लोग आज के कवर कर चुके हैं. इसके अलावा जो भी बच जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप मुझे बताइए. द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी एस्पेक्ट्स आपके कवर होते हैं उस न्यूज़पेपर से, है ना. सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू दैट न्यूज़पेपर एंड ऑलवेज सी दिस एनालिसिस, ऑलवेज कंटिन्यू टू वॉच दिस एनालिसिस, बिकॉज दिस एनालिसिस विल क्लियर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके मैक्सिमम एस्पेक्ट्स, मैक्सिमम कवरेज जो है न्यूज़पेपर का ले सकूँ, जिससे कि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके. ओके, एंड थैंक्स फॉर बींग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर. वी विल अगेन बी हेयर बाय टुमारो, द सेम टाइम विल बी हेयर. एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट बाय गिविंग योर कमेंट्स एंड क्वेरीज. एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, the sharing option is here only to explore it, to spread the knowledge what you want. Okay, so take care, bye bye, we will meet you tomorrow, soon tomorrow. Okay.